सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीज नेट पर। दोस्तों सुबह हमने करवाया था कि डेसिमल से हम बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी दोस्तों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज हम दोबारा से ये वीडियो करने वाले हैं और इसमें हम दोनों तरीके बताएंगे, यानी कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से फिर दोबारा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये वीडियो देखना दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC NET दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थियोरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जो आज की वीडियो की है उसी को लेके चलते हैं कि जैसे डेसिमल जो नंबर होता है हमारा, डेसिमल को हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है। और देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे अंदर कन्फ्यूज़न आता है कि हम दो से गुना करनी है या दो से डिवाइड करना है, ये हमारे पास कन्फ्यूज़न आता है। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल का मतलब है कि जो दशमलव जो होता है उसे हम कहते हैं। और हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें गुना करनी है या भाग करनी है। अब सबसे पहले देखिए हमें कन्वर्ट किसके अंदर करना है, कन्वर्ट हमें करना बाइनरी के अंदर करना है। और बाइनरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी कि जिसका बेस 2 हो। ठीक है, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, जैसे हम लिख लेते हैं 124 और नीचे इस तरीके से हम लिखते हैं ना नीचे, तो उसे हम कहते हैं बेस यानी कि 2, इसे हम कहते हैं बाइनरी। और इसे हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर वो हम देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि हमें डिवाइड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से LCM लेते हैं, उस तरह से हम यहाँ पे ये टेबल बना लेंगे और 13 लिखेंगे और 13 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर दोस्तों। इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो 13 है वो 2 के किस टेबल तक जाता है, तो ये हमें पता है कि 2 6 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम जब हमने 6 पे ये टेबल लेके गए तो कितना शेष हमारे पास बचा, तो ये ऐसे रखेंगे और जो शेष हमारे पास बचा है, कैरी जो बचा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद में दोबारा फिर 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो फिर जाएगा 2 3 6। ठीक है, और अब हमारे पास कितना शेष बचा है, वो बचा है हमारे पास 0 बचा है। उसके बाद में हम दोबारा से फिर 2 से डिवाइड करेंगे, हम तब तक इसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक अपने पास 1 या 0 ना आ जाए। अब दोबारा इसको करेंगे तो ये जाएगा 2 1 2 और यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास 1 बच गया। और यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए अब इसे और आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब जो 1 है ये दोबारा से अपना इससे डिवाइड नहीं हो रहा 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि नीचे से लेके और ऊपर तक हम लिखते हैं, तो इसका जो क्या होगा, 1 1 मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 0 और 1, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि डेसिमल 13 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 0 1 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। और अब हम दोस्तों इसका उल्टा करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब यही सवाल है, यानी कि 1101 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये है कि बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से किया जाएगा, ये हम देखना चाहते हैं।
तो यहाँ पे हमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये जहाँ पे डेसिमल आ जाए ना दोस्तों, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और वो हमें देखना है कि पहले हमारे पास बाइनरी है तो दो से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्टल है तो 8 से, हेक्साडेसिमल है तो 16 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बाइनरी है, बाइनरी के अंदर 2 बेस होता है, तो अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो इसमें हम सबसे पहले ये दोस्तों ये नंबर लिख लेते हैं 1101, इसमें लिख लिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 की पावर लिखते जाएंगे। अब देखिए 2 की पावर सबसे पहले हम 0 लिख लेते हैं, फिर 2 की पावर 1 लिख लेते हैं, फिर 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, और फिर 2 की पावर हम लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले अब हम देखते हैं कि 2 की पावर 0 क्या होती है। हमेशा आप याद रखना, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। अब देखिए 2 की पावर 1 क्या होती है, वो 2 होता है, और 2 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया, 2 की पावर 2 होती है तो 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो ये हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो है और ये जो है इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, अब एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ गया, अब जीरो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ गया, अब इस एक को इस चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार आ गया, और अब इस एक को आठ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो ये आया है हमारे पास 8 4 0 1, इन सभी को हमें प्लस करना है। अब देखिए 8 जमा में 4 जमा में 0 जमा में 1, ये कितना होता है, 8 और 4 12 और 1 13, ये क्या आ गया दोस्तों अपना आंसर, ये आ गया 13 इसका आंसर आ गया। अब देखिए बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते तो 13 आ गया, और हमने जो ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या था कि जो डेसिमल नंबर 13 था उसको जब हम कन्वर्ट करते तो वो आ रहा था 1101, इसका आंसर आ रहा था। तो हमने देखे दोस्तों यहाँ पे दोनों ही करके देख लिए हैं, एक मिनट, यहाँ पे हमने दोनों ही करके देख लिए, 13 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लिया है, डेसिमल को बाइनरी में, और फिर बाइनरी को हमने दोबारा से फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लिया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर 2761 को हम हेक्साडेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए जहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर की बात आती है तो वहाँ पे हम किससे डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 16 से डिवाइड करने का तरीका भी हम इसे देख लेते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं 2761, यहाँ पे हमने लिख लिया, और इसे डिवाइड करना है हमें 16 यानी कि 16 से हमें डिवाइड करना है। अब हमें देखना पड़ेगा दोस्तों ये जो 2761 यानी कि 2761 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो इसके पास में चला जाए। तो हमने पहले से ही ऑलरेडी काउंटिंग कर रखी है, तो हम बता देते हैं 172 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2752 आता है दोस्तों, ठीक है। 2752 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2752 हमारे पास आता है। और अब देखिए 2752 इसमें से जब हम माइनस करते हैं 2761 में से माइनस करते हैं तो 9 हमारे पास शेष रह जाता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरीके से होगा, एक मिनट मैं इरेज कर लेता हूँ ये ताकि हमें दिक्कत ना आए। दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास 9 कैरी रह जाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 172 के करीब आ जाए। तो 16 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास जो कैरी है दोस्तों वो 12 रह जाता है, 12 जो कैरी है हमारे पास रह जाता है। अब देखिए ये जो 10 है ये 16 से और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहीं से हमारा जो आंसर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए हम दोबारा इसको नीचे से लेके ऊपर लिखेंगे, यही हमारा पैटर्न रहता है हमेशा। और अब देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने 10 लिख लिया, 12 लिख लिया और 9 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए हम इसे नीचे से लेके ऊपर तक लिखते हैं, यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ ये यह आ गया, सबसे पहले हमारे पास 10 आ गया, फिर 12 आ गया और फिर 9 आ गया,
ठीक है। और अब आप मेरे को ये बताइए कि जो 9 होता है हेक्साडेसिमल नंबर में वो किसके इक्वल होता है, 10 किसके इक्वल होता है और 12 किसके इक्वल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो 9 नंबर होता है वो 9 तो 9 के इक्वल ही होता है, लेकिन जो 10 होता है उसे हम ए के इक्वल मानते हैं, और जो 12 जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा सी के इक्वल होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ए सी 9, हमारा ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से इसमें कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर ए सी 9 आया है, इसको दोबारा से डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर ए सी 9 को हम डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा सा ये टिपिकल हो सकता है। सबसे पहले हम ए सी 9 यहाँ पे लिखते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। हेक्साडेसिमल नंबर है मतलब 16 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ए सी 9 लिख लिया, तो ए सी 9 को सबसे पहले रियल जो वैल्यू है उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए का मतलब होता है दोस्तों हमारे पास 10 होता है, वो मैंने अभी आपको बताया था। सी का मतलब होता है 12, और 9 का मतलब 9 हो गया, ठीक है। यानी कि 10 12 9 हमारे पास डिजिट आ गई ए सी 9 की। तो इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं 10 12 और 9। अब हमें हेक्साडेसिमल नंबर है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 16 16 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 16 16 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके पार बाद इनकी पावर लगाते हैं दोस्तों, 0 पावर 1 पावर 2 पावर, ठीक है। अब देखिए 16 की पावर 0 होती है 1 के इक्वल, और 16 की पावर 1 होती है 16, और 16 की पावर 2 होती है 256 होती है हमारे पास, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि अब इनको और इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने आपको बताया था। 9 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, और जब हम 16 को दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, अभी एक मिनट देख लेते हैं, ये आता है हमारे पास 192 आ गया हमारे पास। और फिर देखिए 10 को जब हम 256 से मल्टीप्लाई करते तो 2560 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते तो देखते सॉरी अब तीनों को हम प्लस करते तो हमारे पास क्या आता है, ये हमें देखना है। अब देखिए तीनों को आप प्लस करके देख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, मैं कैलकुलेटर है मेरे पास उसके अंदर मैं प्लस करके देखता हूँ। ये कर लिया मैंने प्लस, और प्लस में 9 और कर लेते हैं, तो ये वही आया दोस्तों हमारे पास 2761, यानी कि इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2761 हमारे पास आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल में हो तो हेक्साडेसिमल से किस तरह से कन्वर्ट में करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैंने दोनों तरीके से आपको करवा के दिखा दिया है। अब आप सभी दोस्तों के लिए मैं एक काम दे के जा रहा हूँ, ये आप सभी दोस्तों को करना है, करके देखना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताइए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेसिमल नंबर 593 को हमें ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर हमें जो ऑक्टल नंबर आए 1121, इसको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे ये हमें बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, और अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वो हमें ज़रूर बताना। आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप के ज़रिए भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।